बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के शेरकोट में ब्रश व्यापारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ओरिजिनल ब्रश ब्रांड के नाम से दो ब्रश व्यापारी डुप्लीकेट माल बना रहे थे, जिनके पास से कोर्ट के आदेश के बाद छापेमारी कर करीब 3 लाख का माल जब्त कर लिया गया, जिसकी खबर से शेरकोट ब्रश व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि शेरकोट निवासी महफूज अहमद भारत ब्रश इंटरनेशनल फार्म के असली ओनर हैं और ये फार्म ट्रेडमार्क है जिसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। इसी को लेकर बृहस्पतिवार की शाम शेरकोट के मोहल्ला कोटरावे का स्थान में एक सूचना मिली थी कि भारत ब्रश के नाम से डुप्लीकेसी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर भारत महान वे भारत SSA के नाम से करीब 3 लाख रुपए का डुप्लीकेट ब्रश बरामद कर लिया गया। उधर भारत ब्रश इंटरनेशनल फार्म के असली ओनर महफूज अहमद ने बताया कि उनकी फार्म के नाम से कुछ लोग डुप्लीकेट माल बना रहे थे, जिनको 6 महीने पहले चेतावनी देते हुए एक नोटिस भी भेजा गया था कि आप लोग मेरी फार्म भारत ब्रश इंटरनेशनल की डुप्लीकेसी करना बंद कर दें, लेकिन इनके द्वारा डुप्लीकेसी बंद नहीं की गई तो छापेमारी की कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महफूज अहमद ने कहा है कि उनकी भारत ब्रश की डुप्लीकेसी करना बंद कर दें, अन्यथा उन सबके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। जो छापेमारी हुई, क्या मामला है? महफूज अहमद नाम है हमारा। मामला ये है कि हमारा भारत ब्रश इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसकी डुप्लीकेसी यहाँ पे शेरकोट में हो रही थी। दो व्यक्ति का माल बरामद हुआ हमारा जी, जो एक SS भारत के नाम से बना रहे थे और एक भारत महान के नाम से, जिससे कि हमारी भारत ब्रश जो है वो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और ISO वगैरह। लगभग कितने का माल बरामद हुआ? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ होगा इसमें। अच्छा, जो आपके तो चलिए आप, इसकी काउंटिंग क्या आगे है? जो आपकी डुप्लीकेशन करेगा उसके लिए क्या है? बस उनके है कि इस अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी डुप्लीकेसी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। जैसे कि ये माल पकड़ा गया आज, छापेमारी हुई है, आपने कोर्ट से मुकदमा जीता है या क्या? जी जी, पहले इससे पहले हमने 3 महीने पहले कोर्ट से मुकदमा जीता, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें जय भारत के नाम से बना रहा था, एस भारत के कोर्ट का आदेश है हमारे पास। अच्छा जी, आपने ये जो प्रार्थना पत्र था कोर्ट से जीतने के बाद, आप कितने किसके लिए? ये प्रार्थना पत्र हमने दिया कप्तान साहब के यहाँ। अच्छा जी, पुलिस अधीक्षक के यहाँ, वहां से उन्होंने अपना आदेश हुआ। आदेश होने के बाद थाना शेरकोट को, थाना शेरकोट ने मौके पे पहुंचे, उन्होंने माल बरामद किया। कितनी बार पुरानी फर्म है आपकी? लगभग 12-13 वर्ष पुरानी फर्म है हमारी शेरकोट में। इससे पूर्व भी आपकी फर्म से मिलते जुलते नामों के ब्रश बनाए गए हैं और पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। जी जी, थोड़ा सा विस्तार से बताने की कृपा करें। इसमें पहले हमारा एक जय भारत से मामला चला लगभग 4 वर्ष पूर्व। इसमें हमारा 4 साल तक मुकदमा चला दिल्ली तीसदारी कोर्ट से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, फिर कमर्शियल कोर्ट मुरादाबाद, वहाँ से जजमेंट हुआ हमारा। और जजमेंट होने के बाद दोनों मुकदमे हम जीते, हमारे पक्ष में उनका जजमेंट हुआ, इसलिए हमें उसमें सफलता हासिल की, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल लीगल हैं सारे, हमारे पास हम मजबूत हैं। यानी हम आगे से नगर की जनता के लिए आप क्या संदेश? जी जी, भारत से मिलता जुलता कोई भी, हमें कोर्ट ने राइट दिया बिल्कुल, जो से मिलता जुलता कोई नाम का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए संदेश क्या आपका? उनका यह है कि बस ये डुप्लीकेसी छोड़ दें तो बेहतर है, नहीं तो उनके खिलाफ भी और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी।